वेलकम बैक टू द वीडियो स्टूडेंट। हम जानेंगे इंस्टाग्राम को फेसबुक से डिस्कनेक्ट कैसे करें, फिर इंस्टाग्राम को फेसबुक से अनलिंक कैसे करें। यहाँ कई बार ऐसा होता है कि आप लोग गलती से अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को फेसबुक अकाउंट से कनेक्ट कर देते हो, यानी जब कभी भी आप इंस्टाग्राम पर कोई रील वीडियो को अपलोड करते हो, फिर कोई स्टोरी लगाते हो, फिर कोई इंस्टाग्राम पर आप फोटो डालते हो, तो भाई वो डायरेक्टली आपकी फेसबुक पर भी चली जाती है। फिर आपके साथ में उल्टा भी हो सकता है, यानी आप मतलब जब कभी भी कोई फेसबुक पर फोटो डालते हो या फिर कोई फेसबुक पर स्टोरी लगाते हो या फिर फेसबुक पर कोई रील्स वीडियो अपलोड करते हो, तो भाई ऐसे में वो डायरेक्टली आपके इंस्टाग्राम पर भी आ जाती है एंड आप तो कि ये दोनों अलग अलग हो जाए। आप नहीं चाहते इंस्टाग्राम की रील्स वीडियो फेसबुक पर जाए फिर फेसबुक की इंस्टाग्राम पर आए, ठीक है। तो आपको इन दोनों को आपस में से डिस्कनेक्ट कैसे करना है आज की इस वीडियो में भी जानेंगे। तो छोटा सा वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। साथ ही अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को बताए मैं इस चैनल पर आपके लिए इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो रखता हूं। तो गाइस यहां पर मैं सबसे पहले इंस्टाग्राम को ओपन कर लेता हूं। आप यहां पर देखिए हमने अपने इंस्टाग्राम ऐप को ओपन कर लिया है। जैसे आप इंस्टाग्राम को ओपन कर लेंगे अब यहां पर आपको करना क्या है, सबसे पहले यहां पर आपको प्रोफाइल पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोफाइल पे क्लिक कर देंगे उसके बाद यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहां पर आपको अपने इंस्टाग्राम को फेसबुक से डिस्कनेक्ट करने के लिए करना क्या होगा, आपको यहां पर टॉप कॉर्नर में मिलेगा थ्री लाइन, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे उसके बाद यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहां पर आपको टॉप में मिलेगा अकाउंट सेंटर, तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली अकाउंट सेंटर पर क्लिक कर देना है। जैसे आप अकाउंट सेंटर पर क्लिक कर देंगे उसके बाद यहां पर आपके सामने काफी सारे ऑप्शन आ जाते हैं, तो यहां पर आपको करना क्या है, आपको सिंपली शेयरिंग अक्रॉस प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है। आप यहां पर देखिए हमारा जो है ना फेसबुक और इंस्टाग्राम यहां पर दोनों एक साथ दिखा रहा है। साथ ही यहां पर ऐसे हो सकता है कि आपके जो है ना आपने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से काफी सारे इंस्टाग्राम अकाउंट को कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, या फिर मतलब काफी फेसबुक को दो तीन फेसबुक को आपने कनेक्ट कर रखा है। एंड अभी के टाइम में आप चाहते हो कि ये मेरा पर्सनल अकाउंट है एंड मैं मतलब कोई भी अकाउंट नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता मेरे अकाउंट में कोई भी अकाउंट अटैच हो या फिर मतलब ऐड हो, वो सब अकाउंट अलग हो जाए, ठीक है। तो उनको अलग करने के लिए करना क्या होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे फिलहाल इस अकाउंट से सिर्फ और सिर्फ फेसबुक कनेक्ट है, ठीक है, एंड मैं फेसबुक को भी यहां से हटा दूंगा, तो यहां पर तो आपको इसको डिस्कनेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। आपको करना क्या होगा, आपको सिंपली सबसे पहले इसको बैक करना है। जैसे आप इसको बैक कर देंगे, बैक करने के बाद यहां पर आपको नीचे की तरफ आना, जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे, नीचे की तरफ आने के बाद यहां पर आपको मिलेगा अकाउंट, तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली अकाउंट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप अकाउंट पे क्लिक कर देंगे उसके बाद यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर आपको दोनों अकाउंट शो कर जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपका इंस्टाग्राम का शो करेगा, ठीक है, सेकंड यहाँ पर आपको फेसबुक का अकाउंट शो कर रहा होगा। साथ ही यहाँ पर आपको और भी अकाउंट शो कर सकते हैं जो आपने ऑलरेडी कनेक्ट कर रखे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो भी अकाउंट हटाना चाहते हो या फिर यहाँ पर आप जो भी अकाउंट डिस्कनेक्ट करना चाहते हो, आपको करना क्या, आपको सिंपली उस अकाउंट के बराबर में, जैसे कि यहाँ पर ये फेसबुक का अकाउंट है एंड यहाँ पर रिमूव का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली रिमूव पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम रिमूव पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको टॉप में मिलेगा रिमूव अकाउंट का ऑप्शन, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपली कंटिन्यू करना है। जैसे आप कंटिन्यू कर देंगे, कंटिन्यू करने के बाद यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहां पर आप देखिए यहां पर आ गया यस रिमूव वसीम अली, यानी कुल मिला के यहां पर जो भी आपकी फेसबुक आईडी होगी वो यहां पर आपको शो कर जाएगी, जो भी उसका नाम होगा, ठीक है। तो आपको करने के आपको सिंपली यस रिमूव पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक कर देंगे उसके बाद यहां पर आप देखिए ये कुछ ही सेकंड में आपका अकाउंट डिस्कनेक्ट हो जाएगा। साथ ही यहां पर मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि अब यहां पर हम जो भी इंस्टाग्राम पर रील वीडियो अपलोड करेंगे वो फेसबुक पर नहीं जाएगी। आप यहां पर देखो यहां पर ये रिमूव हो चुका है, यानी यहां पर ये डिस्कनेक्ट हो चुका है। एंड यहां पर अभी के टाइम में अगर हम इसको बैक करते हैं, अगर अब हम यहां पर शेयरिंग अक्रॉस प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हो ऐड अकाउंट का ऑप्शन शो कर रहा है, ठीक है, यानी फेसबुक पूरा का पूरा डिस्कनेक्ट हो चुका है अभी के टाइम में। अब आप इंस्टाग्राम पर जब कभी भी कोई पोस्ट या स्टोरी या फिर रील्स वीडियो डालोगे तो वो आपके फेसबुक पर बिल्कुल भी नहीं जाएगी, ना ही फेसबुक की आएगी, क्योंकि हमने उसको डिस्कनेक्ट कर दिया है। तो भाई कुछ इस तरह से यहां पर आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से फालतू के अकाउंट को डिस्कनेक्ट कर सकते हो या फिर उनको रिमूव कर सकते हो। सो आई होप कि आपकी सबको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।